मेरा नाम राखी शर्मा है, मेरी एज 42 प्लस है एंड मैं मास्टर्स एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ में जुड़ी हूँ लास्ट 2016 से। ये मेरे कोच हैं मिस्टर अरविंद, जो कि मुझे 2016 से प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये मुझे प्रैक्टिस कराते हैं ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। एंड अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जो अपनी जर्नी है 2013 से स्टार्ट की थी, जब मैं अनफिट थी, मेरा वेट गेन बहुत हो गया था एंड मैंने स्टार्ट की अपनी मैराथन से जर्नी। मैंने रनिंग की 21 किलोमीटर एंड 41 किलोमीटर, दो तीन साल तक ये सिलसिला चलता रहा। एंड 2016 में मुझे पता चला कि मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है जिसमें कि 30 प्लस 35 प्लस एज कैटेगरी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि स्टेट होती है, नेशनल होती है, इंटरनेशनल होती है, एशियन चैम्पियनशिप होती है एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है। तो मुझे लगा कि मुझे स्टेट में तो एटलीस्ट पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो स्टेट हो रही थी ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 2016 में, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया 5000 किलोमीटर एंड 1500 3000 किलोमीटर। उसमें मैंने तीनों स्टेट में गोल्ड मेडल अचीव किया एंड उसके बाद मैं नेशनल के लिए सेलेक्ट हुई, जो कि प्रयागराज में हुई 2017 में, मैं वहाँ मेडल जीते। एंड उसके बाद ओपन इंटरनेशनल हुई मलेशिया में कुचिंग सारावाक में 2017 में जून में, फिर से 1500 एंड 3000 मीटर में दोनों में गोल्ड मेडल लिया इंटरनेशनली। एंड उसके बाद 2018 में मणिपुर में हुई, 2019 में गुंटूर में हुई, 2020 में कोरोना था, 21 में चेन्नई हुई, देन कैलकटा में हुई। अभी पीछे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया माफी को अपने साथ में, देन उसमें वडोदरा में भी मैंने मेडल जीते। मतलब अभी तक की स्टिल जर्नी में मैं बिना मेडल के कभी भी वापस नहीं आई। मैंने 800 मीटर जो कि फर्स्ट डे थी 8 नवंबर को फिलीपींस में, और मैंने 800 मीटर में 23 कंट्रीज आई हुई थी और मैंने थर्ड पोजिशन ब्रॉन्ज मेडल लिया। तो बस गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से यही कहना है कि हम लोग भी वही प्रैक्टिस करते हैं जो कि नीरज चोपड़ा करता है। शायद सुनने में अजीब लगेगा, वो चाहे 8 आवर्स प्रैक्टिस करता है, हम भी 2 आवर्स 3 आवर्स मॉर्निंग एंड 2 आवर्स इवनिंग में प्रैक्टिस करते हैं। और हम इस एज कैटेगरी में खेल रहे हैं जिसमें कि हमारे बच्चे हमें रोल मॉडल मानते हैं, और जो भी आसपास के नियर डियर रिलेटिव्स हैं वो हमें देख के कि इस एज कैटेगरी में हम लोग गेम्स कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर जाके मेडल ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कुछ हमें सपोर्ट करना चाहिए, एटलीस्ट हमें एयर फेयर एकोमोडेशन का चार्ज जो मेडलिस्ट हैं उनको तो देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा ही और भी जो अन्य खेलते हैं हरियाणा से, उनको बहुत अच्छी प्राइज मनी दी गई है, जॉब ऑफर्स दिए गए हैं, तो आप लोग क्यों ऐसा फील कर रहे हो? ऐसे इसलिए मैम कि वैसे तो जिस फेडरेशन के साथ मैं खेल रही हूँ वो 1982 से रन कर रही है, इसके साथ अभी जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो मैंने पीछे पूछा है, उन्होंने ये बोला कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी बन गई है मास्टर्स की, तो इस वजह से आपकी प्राइज मनी नहीं मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता ये कोई चीज़ है कि कोई और गवर्नमेंट सॉरी कोई और फेडरेशन आके बन गई है, तो जो पिछली फेडरेशन चली आ रही है 1982 से, तो उनको प्राइज मनी या उनको रिवार्ड क्यों नहीं दे रही है गवर्नमेंट? बेसिकली इस मास्टर एथलीट में 85-90% जो लोग हैं, जो एथलीट हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। कोई पुलिस में है, कोई एफसीआई में है, कोई कहीं बैंक में है, कोई किसी स्कूल में है, तो उनको उनकी गवर्नमेंट बॉडी जो है उनको फैसिलिट भी करती है मेडल जीतने पर, उनको थोड़ा बहुत उनको देती भी है, एंड जब वो मेडल जीत के आते हैं तो उनकी अप्रेजल्स होती हैं, तो इसलिए वो लोग तो आवाज़ उठाएंगे भी नहीं क्योंकि वो तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अब मेरे जैसी कैटेगरी 5% है जो कि हाउसवाइफ है, अगर मैं खेल रही हूँ देश के लिए, मैं भी मेडल लेकर आ रही हूँ, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए भी सोचना चाहिए। आपने गवर्नमेंट को अप्रोच किया है? मैम गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं, हमें अपने सेक्रेटरीज हो गए, इनसे बात करी, इवन 2018 में अनिल विज के साथ मीटिंग भी हुई थी 2018 में अंबाला में, एंड सारे जितने भी अतीत से हरियाणा के, अंबाला, झज्जर, पानीपत, जो भी अतीत से हरियाणा के, हम लोग सब ने मीटिंग की थी। तब अनिल विज जी ने बोला भी था कि हम लोग मास्टर्स के लिए भी प्राइज मनी दे रहे हैं, एंड पेपर्स में भी बहुत प्रिंट हुआ था, बट कुछ भी मिला नहीं हमें आज तक। दोबारा मुलाकात तो वही है मैम, अब सिंगल सिंगल पर्सन तो कर नहीं सकता है, ठीक है, ये पूरी एक चेन है। अगर हम लोग हरियाणा से हैं,
काफ़ी सारे एथलीट्स हैं तो सब इकट्ठा ही नहीं हो पाते हैं। वही मैंने बोला कि सब अपने अपने आके, एक्चुअली हम लोग मैरिड हैं तो हम लोग क्या, वैसे तो हमारे घर से ही हमें फुर्सत नहीं मिलती है और जो वर्किंग है उनको अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो ये सिलसिला मेरे हिसाब से ऐसे ही चलता रहा। 1920 में लॉकडाउन लग गया, उसके बाद मैंने सोचा चलो गेम छोड़ देती हूँ। बट मुझे एक मोमेंट याद आई जब मेरे बेटे ने बोला था कि मम्मा आई फील प्राउड ऑफ यू कि आप इस एज में गेम्स कर रही हैं और मेडल ले रही हैं। तो मुझे लगा कि मैंने जब जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने पैसे के लिए तो स्टार्ट की नहीं थी, तो फिटनेस के लिए स्टार्ट की थी, तो इसलिए मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। आपके साथ और कितने लोग हैं ऐसे जिनको इन सब चीजों से मिला नहीं है? सारे लोग ही, ऐसा नहीं कि मैं ही सिंगल हूँ। जितने भी लोग खेल रहे हैं मास्टर्स में माफी के साथ में जुड़े हुए, किसी को भी कोई रिवॉर्ड कोई कुछ नहीं मिल रहा। हमें ये कहना चाहती हूँ जो लोग जैसे अभी गुड़गांव से या झज्जर सिरसा पानीपत सोनीपत इनके जो लोग हैं, एमएलए हो गए या कोई और पॉलिटिशियंस हो गए, ये लोग इनको फैसिलिटेट तो कर रहे हैं एटलीस्ट। ये लोग जब अपने शहर में गए हैं तो एटलीस्ट इनके लिए कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज किया इन लोगों ने एंड इनको फैसिलिटेट किया। बट यहाँ पंचकुला में मुझे अभी तक किसी ने भी ऐसा कुछ, एशियन जीत के आई हूँ मैं 23 कंट्रीज में से, मुझे किसी ने भी कुछ अभी तक अप्रोच तक नहीं किया। तो अगर कोई नहीं भी अप्रोच करता, आपको फैसिलिटेट नहीं करता, तब भी आपकी जर्नी तो कंटिन्यू रहेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जर्नी कंटिन्यू रहेगी और मैं जब तक मेरी सांस है, जब तक मैं इस फील्ड में, जो भी चाहे वो नेशनल हो चाहे एशियन हो, अभी स्वीडन में हो रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप, मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करूंगी, कोच मेरे साथ में, मेरे को ट्रेनिंग भी करवाएंगे, सो मैं इस जर्नी को कभी खत्म नहीं करूँगी।